भदोई के ज्ञानपुर विधानसभा के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल पुराने एक मामले में सजा सुनाई गई। उन्हें एक महीने की जेल और 200 रुपए का अर्थदंड की सजा दी गई है। फिलहाल विजय मिश्र पर कई मामले चल रहे हैं और जेल में भी बंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार भदोही के एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 5 दिन की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। बाहुबली पूर्व विधायक को ये सजा 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में सुनाई गई है। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक पूर्व विधायक विजय मिश्र द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा न्यायालय अपर जज सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती साधना गिरी के कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आज उनको दोषी मानते हुए एक महीने की सजा सुनाई और 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ये 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान इनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जनता को प्रलोभन देकर चुनाव को व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था। दरअसल विजय मिश्रा एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जेल के अंदर रहने पर भी उनका वही रुतबा कायम है। हालांकि वर्तमान राज्य सरकार ने उनके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन पर दुष्कर्म, हत्या, संपत्ति हड़पने सहित कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोई से राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।